you, Vasundhara, for your introduction. You want me to speak in Hindi or English? Chairman Rajput Association of North America, President, Anya Office Bearers, or Rajput Samaj ke Bhaiyo, Behno, or Pyare Bachcho. जैसा कि वसुंधरा ने बताया कि मैं यूएस में तो बराबर आता रहा हूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में लेक्चर देने का अवसर मिला है, पर वहाँ पर मेरा विषय बहुत सारा होता था। वो सिक्योरिटी रिलेटेड होता था, चैलेंजेस के बारे में होता था, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में होता था, इत्यादि इत्यादि। पहली बार मैं राजपूत समाज को अमेरिका में संबोधित कर रहा हूँ। ऐसे राजपूत समाज कि बहुत सारी शाखाएं हिंदुस्तान में खुल गई हैं और वो लोग भी समय समय पे मुझे बुलाते रहते हैं। वहाँ जाके जो मुझे एक निराशा होती है वो ये कि आखिर क्षत्रिय समाज इतने भागों में क्यों बटा हुआ है, इतने सारे क्षत्रिय सभाएं संस्थान क्यों बने हुए हैं, क्यों नहीं हम एक अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज बनाते जहाँ सब लोग एक मंच पर आते और एकजुट होकर भविष्य के लिए कुछ कार्यक्रम के रूपरेखा बनाते। ये बात मैंने बार बार कही और जब भी मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने इस बात को दोहराया, परंतु मैं देखता हूँ कि वो कोई खास असर नहीं होता। लोग अपने अपने अंपायर्स में, अपने अपने फीएफडम में अपना सिक्का चमकाना चाहते हैं और वो व्यवस्था ऐसी ही चली जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ कम से कम नॉर्थ अमेरिका में आपका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है राणा के रूप में और जो ये काम कर रहा है। मैं चाहूँगा, शायद ये ऑलरेडी हो रहा है, कि भविष्य में इसको पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको फैलाइए और उसके बाद में आगे की भी सोचिए कि इस संस्थान को कितना बृहद, कितना विशाल रूप दिया जा सकता है। राजपूतों का हमेशा ये दुर्भाग्य रहा है, ये आज से नहीं, शुरू इतिहास से यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी एकजुट नहीं हो पाए, कभी यूनाइटेड नहीं हो पाए। अगर एक यूनिटी होती तो भारत में कितनी बड़ी शक्ति के रूप में हम उभर सकते थे, एक कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। ये एक अफसोस का ही विषय है। राजपूत हिस्ट्री के बारे में तो खैर दोपहर के बाद सेशन होगा, पर मुझे हमेशा ये लगता है जब भी मैं राजपूतों के इतिहास पर उसका एक पैनोरमिक व्यू लेता हूँ, डाउन द एजेस ऐसा रहा है, तो हमेशा मुझे लगा है कि राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी जो रही है एक लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। एक बड़ी तस्वीर कैसे होनी चाहिए, एक बड़े कैनवस पे हम किस तरह से काम करें, ये एक स्ट्रेटेजिक विजन हमारे पास कमी है। हम बहादुर जरूर रहे, शूरवीर जरूर रहे, रणबांकुर जरूर रहे, परंतु एक स्ट्रेटेजिक विजन के अभाव में हम बस छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में छोटे छोटे रजौड़े जो थे वहीं पे बहादुरी करके और वो बहादुरी के किस्से वहीं खत्म हुए। ये हमारा सबसे बड़ा अभिशाप रहा है और ये आज की तारीख में भी ये अभिशाप दिख रहा है। पॉलिटिकली आर वी ए फोर्स, वी आर नॉट। राजनीतिक दृष्टि से हमारी कोई खास पहचान नहीं बन पाई, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ का राजपूत हमको वोट दे देगा तो वहाँ का वो उसको वोट दे देगा। कोई इस तरह से हमारा एक मंच नहीं बन पाया, हम एक नहीं हो पाए और इस तरह नतीजा ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी राजपूतों को बहुत गंभीरता से सीरियसली नहीं लेता है। वो जानता है कि भाई हम चाहें जहाँ चाहे राजपूतों को बांट सकते हैं और उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये हमारे साथ अभिशाप बराबर अभी बना हुआ है। थोड़ा डाउन टू अर्थ बातों पे आ गए। अमेरिका में बराबर आता रहा हूँ, शायद मुझे गिनती भूल गई है उसकी, कितने बार आया हूँ, 10-11-12 बार आ चुका हूँ। और हर बार जब मैं आता हूँ तो यहाँ भारतीय परिवारों को जिनसे भी मुलाकात होती है थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या मनोदशा है, भारत के प्रति उनका कितना लगाव है,
कितना आकर्षण है, नई पीढ़ी को वो क्या वैल्यूज दे रहे हैं, भारतीयता कुछ बची हुई है या कम होती जा रही है, हमेशा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ जो मैं भारतीय परिवारों को अध्ययन करता हूँ, कुछ बातें तो ऐसी मिलती हैं जो जिसको देखकर खुशी होती है, खुशी होती है, गर्व भी होता है। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, बहुत से भारतीयों में अपने देश की पीड़ा दर्द है, दिल में दर्द है कि भारत में हम क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ आ गए पर हम क्या कर सकते हैं। ये दर्द मैंने कई भारतीयों के दिल में देखा और इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात जिसको देखकर मुझे खुशी होती है कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो NRIs हैं उनमें शायद ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीयता की भावना भारत में जो लोग उनसे ज़्यादा है, ये भी एक कभी कभी ऐसा आभास होता है। बल्कि देश में कुछ लोग कहते हैं कि अरे इन लोग कुछ पता नहीं है इसलिए बड़े देशभक्त बनते हैं, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। अब ये सही हो या गलत हो, परंतु राष्ट्रीयता की भावना होना ही अपने आप में एक संतोष का विषय है। ये बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। अब जो बातें नहीं अच्छी लगती हैं या जहाँ मुझे कमी दिखती है वो भी आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो ये है कि हर पीढ़ी के साथ भारत से लगाव, भारत के प्रति आकर्षण, भारतीय मूल्यों की जानकारी कम होती जा रही है। फर्स्ट जनरेशन में तो खूब था, सेकेंड जनरेशन में उससे कम हुआ। अगर आप उसको क्वांटिफाई करना चाहें तो ये कहीं फर्स्ट जनरेशन आई तो उसमें 90% हिंदुस्तानियत फिर भी बनी हुई थी, अगले पीढ़ी में वो शायद 70 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 30 होती जा रही है। तो ये मुझे इसको देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है और भविष्य के लिए चिंता भी होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति, आप अमेरिका में कितनी भी तरक्की कर जाए, बड़े से बड़े पद पर चले जाए, गूगल में मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाए, कहीं आप बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाए, पर अगर आप अपनी जड़ों को भूल गए, इफ यू फॉरगेट योर रूट्स, देन यू आर जस्ट नो गुड ए ह्यूमन बीइंग। अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने एंसेस्ट्री को, अपने पूर्वजों को, अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, इसको हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इंडियन रह जाएंगे कि इंडियन ओरिजिन के आदमी हैं, परंतु वील बी जस्ट रूटलेस वंडर्स। तो ये रूटलेस वंडर्स मत बनिए, अपनी जड़ों को हमेशा याद रखिए। अब कहने को तो बड़ा आसान है कि जड़ों को याद रखिए, पर जड़ों को कैसे याद रखें, इसके बारे में क्या करना चाहिए, मैं दो तीन बातें कहूँगा। अगर आपको ठीक लगे तो इसको अपने जीवन में अपनाइएगा, और नहीं ठीक लगे तो ये सोचिएगा कि चलिए भारत से कोई सिरफिरा आया था, कोई बोल के चला गया, उसको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। पहली बात जो मैं कहूँगा कि आप अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करें। बस लोग अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, ठीक है अंग्रेजी का ज्ञान तो अच्छी बात है, अंग्रेजी के ज्ञान से मुझे कोई परहेज नहीं है, पर घर के अंदर अपने चहारदीवारी में माता पिता से, बाबा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जिनसे हो, आप अपनी मातृभाषा में बोले, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी हो, पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। वो आपको एक तो मातृभाषा का ज्ञान बराबर बना रहेगा, दूसरे आप मातृभाषा के द्वारा मातृभूमि से मानसिक रूप से जुड़े रहेंगे। ये मेरा एक तो सुझाव ये है। दूसरा ये है, मैंने बहुत से परिवारों को देखा, भाई आप पिछली बार हिंदुस्तान कब गए थे, सब मुझे तो 8 साल हो गए, मुझे तो 15 साल हो गए। भाई इतने साल आप कभी घर नहीं जाते, क्या बात है, पैसे नहीं है आपके पास, पैसे हैं पर जाते नहीं। अभी मैंने यहां अमेरिका आते समय रास्ते में प्लेन में एक पिक्चर देखी, 102 नॉट आउट। मेरे ख्याल में जो लोग बहुत वर्षों से हिंदुस्तान नहीं गए वो पिक्चर जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है। मेरा ये कहना है, आप इस पे विचार करिए, हर वर्ष कम से कम एक बार अपने आप स्वयं और अपने बच्चों को लेकर तो जरूर,
और अगर आप किसी वजह से नहीं जा सके कि भाई कमजोर अब हम उम्र ज्यादा हो गई, चलने में दिक्कत है, इतनी यात्रा नहीं कर सकते या खर्चा ज्यादा हो जाएगा, कम से कम बच्चों को जरूर हर वर्ष भेजिए हिंदुस्तान, हर वर्ष भेजिए हिंदुस्तान जाए। और ये नहीं कि बस एक दूसरा जाके दिल्ली में जाके बैठ गए या बनारस में या गाजीपुर में जाके रहने वाले वहां जाके बैठ, उनको प्रोग्राम बना के दीजिए कि बेटा इस बार तुम्हें दक्षिण भारत जाना है, इस बार अजंता एलोरा देखना है, इस बार महाबलीपुरम देखना है, उनको प्रोग्राम बना के दीजिए, कुछ गाइड करके भेजिए, इस बार तुम जाओ, कुछ समय तो अपने परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं सीनियर हैं उन लोगों के साथ बिताओ और कुछ समय हिंदुस्तान को देखने में, ट्राई टू डिस्कवर इंडिया इन योर ओन वे, ये आप बच्चों को जरूर सलाह दीजिए। मैं समझता हूँ कि ये अगर दो तीन बातें आप करेंगे तो जरूर आपका हिंदुस्तान से जुड़ाव बना रहेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप जो मातृभाषा वाली बात है,